ये है टी राजा सिंह, बीजेपी की एमएलए तेलंगाना से। काम बांट लो काम, आज आपको त्रिशूल दिया गया घर में रखने के लिए नहीं, इनके आपको दिया गया त्रिशूल। जब तक त्रिशूल की ताकत आप उपयोग नहीं करेंगे तब तक ऐसे सुनने वाले नहीं है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा कि ऐसे वीडियोस एक फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में नहीं होने चाहिए, पर इनफैक्ट फेसबुक पर ऐसे कई सारे वीडियोस पाए जा सकते हैं। इसके बावजूद कि ये फेसबुक की खुद की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, पर ऐसा नहीं कि फेसबुक इन वीडियोस के बारे में जानती नहीं है, पर इनफैक्ट वो ऐसे वीडियोस को हटाना नहीं चाहते। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के हिसाब से फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी टीम, जिनको अंकित दास लीड कर रही थी, उन्होंने जानबूझकर ऐसे पोस्ट डिलीट नहीं करे ताकि उनका इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो। पर ऐसे हेट स्पीच वीडियोस के बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये हम कई बार देख चुके हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट बैन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स फॉलोइंग द वायलेंस दैट रॉक्ड द कंट्रीज सेंट्रल प्रोविंस। पर इंडिया में जो रीसेंट इंसिडेंट बैंगलोर में हुआ था, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा के बाद पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। अब फेसबुक और हेट स्पीच में जो रिलेशनशिप है उसको परखने के लिए हमें 2 चीजों को समझना होगा, जिसमें से पहला है कि फेसबुक एक्चुअली है क्या। फेसबुक स्टार्ट हुआ था एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट के तौर पे लोगों को कनेक्ट करने के लिए। 2007 से फेसबुक का ही एक्टिव यूजर्स ऐड करा था हर दिन, और अब फेसबुक के 2.7 बिलियन यूजर्स हैं, जो बिलियंस ऑफ पोस्ट, फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं हर दिन। और क्योंकि फेसबुक लोगों को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था, कंटेंट मॉडरेशन उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं थी। उनके अर्ली डेज में बस 12 कॉलेज ग्रेजुएट्स एक साइट इंटेग्रिटी टीम में शामिल थे जो फेसबुक के कॉन्टेंट को मॉडरेट करती थी। पर ये चेंज हुआ 2008 में। This morning, a face-off on Facebook. The social networking website is under fire for its policy on photos of women breastfeeding their children. The place where millions go online to see and be seen. But Facebook says pictures like these go too far. पर उन महिलाओं ने कहा कि ब्रेस्टफीडिंग में ऑब्सीन या फिर अश्लील क्या है? अगर वो ऐसी चीजें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाना चाहते हैं, तो उससे फेसबुक को नहीं हटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, जहां एक दिन करीब 10,000 महिलाओं ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक ब्रेस्ट फीडिंग पिक्चर में कन्वर्ट कर दी। फिर फेसबुक ने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग फोटोज पर पॉलिसी चेंज कर दी, पर इससे कॉम्प्लिकेशंस और स्टार्ट हुई। फेसबुक ने कहा कि जब तक निप्पल एरिया विजिबल नहीं है फोटो में, तब तक वो उन फोटोज को नहीं हटाएंगे। पर फिर कुछ महिलाओं ने कहा कि कई बार ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस के दौरान वो एक्चुअली बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा था, वो बस उनके कंधे में होता है, तो उन फोटोज को क्यों हटाया जा रहा है। पर फेसबुक ने कहा कि नहीं, जब तक निप्पल विजिबल है तब तक वो उन फोटोज को हटा देंगे। और फिर वियर्डली कुछ स्ट्रेंज पोस्ट आए फेसबुक पर। कुछ पॉर्न वेबसाइट्स ने इस फेसबुक के सिस्टम को गेम करने की कोशिश करी। अपेरेंटली एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉर्न का जॉनर है, इसलिए कई पॉर्न स्टार्स ब्रेस्ट फीड की एक्टिंग कर रहे थे और ऐसी फोटोज को पब्लिश कर रहे थे फेसबुक पर। तो फिर फेसबुक ने अपनी पॉलिसीज वापस बदली कि जो ब्रेस्ट फीड हो रहा है वो करीब 2 साल का होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। तो आपको इस स्टोरी के बारे में बताने के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि फेसबुक ने कंटेंट मॉडरेशन को सीरियसली कब लेना शुरू किया, और दूसरा कि एक्चुअली कंटेंट को मॉडरेट करना इतना इजी नहीं है। फेसबुक को अपनी पॉलिसीज रेगुलरली चेंज करनी पड़ती है बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। और ये बस एक इश्यू था एक कंट्री में, ऐसे कई इश्यूज होते हैं कई कंट्रीज में। इसीलिए जो पहले 12 लोगों की टीम होती थी वो बहुत बढ़ गई है। फेसबुक में अभी करीब 15,000 कंटेंट मॉडरेटर्स हैं, और लार्जली ये रोल को आउटसोर्स कर दिया फेसबुक ने फिलीपींस और इंडिया जैसी कंट्रीज में। कंटेंट मॉडरेशन का पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कुछ हद तक डिफाइन करता है कि फेसबुक है क्या। वो एक न्यूज़ पब्लिशर है या फिर एक बस टेक कंपनी है? और ये क्वेश्चन बहुत सीरियस हो गया था 2013 में। The attack appears time for maximum impact. Just before 2:50 p.m., this is the viewpoint. जब 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब्स एक्सप्लोड कर रहे थे बॉस्टन में एक मैराथन के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशंस के बीच एक फोटो वायरल हुई थी जहां किसी का एकदम खून से लथपथ और टूटा हुआ पैर नजर आ रहा था। अब ये फोटो फेसबुक की गाइडलाइन से अग्री नहीं करती थी, पर सारी मेजर न्यूज वेबसाइट्स जैसे CNN और फॉक्स न्यूज इसको कवर कर रहे थे। तो फिर फेसबुक ने डिसाइड किया कि वो भी इस फोटो को पब्लिश करेंगे। और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया
तब शायद फेसबुक को रियलाइज नहीं हुआ, पर वो फिर एक ऑलमोस्ट न्यूज पब्लिशर बन गए, ना कि बस एक टेक कंपनी। पर प्रॉब्लम यह है कि मार्क ज़करबर्ग और फेसबुक ने यह अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि फेसबुक को एक्चुअली एक न्यूज पब्लिशर की तरह ट्रीट करना चाहना चाहिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर, बिकॉज़ आई थिंक दैट गोज़ टू अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन व्हाट फॉर्म ऑफ रेगुलेशन और गवर्नमेंट एक्शन इफ एनी वी वुड टेक। सेनेटर, दिस इज a really big question. I view us as a tech company because the primary thing that we do is build technology and products. But you said you're responsible for your content, which makes exactly. you kind of a publisher, right? Well, I agree that we're responsible for the content, but we don't produce the content. तो Facebook सारे वो फायदे उठाता है जो एक न्यूज़ पब्लिशर वेबसाइट उठा सकती है, पर उसके लिए वो responsible नहीं होना चाहता और regulate नहीं होना चाहता, और इसकी वजह से उनकी policies बहुत irregularly apply होती हैं। जैसे ये है एक बुद्धिस्ट मंक विराथु म्यांमार में, जो कई सालों से बहुत एंटी मुस्लिम स्पीचेस देते आ रहे हैं। तो फेसबुक विराथु को एक हेट लीडर मानती है, पर जो भी फेसबुक पर पेजेस हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक, उनको बैन नहीं करती है। तो अब सवाल है कि फेसबुक ऐसे पोस्ट को क्यों नहीं हटाता है, और इसका सिंपल आंसर है कि फेसबुक उन पोस्ट को नहीं हटाता है जिनका लिंक रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के साथ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत अच्छे उदाहरण है ऐसे पॉलिटिकल लीडर के जिन्होंने सक्सेसफुली सोशल मीडिया को यूज़ किया है और बहुत हद तक उस पर निर्भर भी है। उनके पर्सनल पेज में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए। उन्होंने तो 2018 में अपने MPs को कम से कम 300,000 लाइक्स लाने के लिए भी बोला था अपने अपने फेसबुक पेजेस पर। और जब फेसबुक इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसका ये मतलब है कि फेसबुक को फिर गवर्नमेंट से रेवेन्यू भी मिलता है। जैसे लास्ट 18 महीनों पर BJP affiliated pages जो थे वो highest spender से Facebook ads पर, और Facebook कई different collaborations भी कर रहा है Indian governments के साथ, ऐसे Indian Home Ministry, Ministry of Tribal Affairs और CBSE। और किसी भी company के लिए किसी भी industry में अपने ही customer को regulate करना almost impossible है, पर ऐसा ही relationship है अभी government और Facebook के बीच। और ये पहला कारण है कि Facebook को government से पैसा मिलता है। दूसरा कारण यह है कि फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है और इंडियन रूल्स उस पर अप्लाई करते हैं, और इंडियन रूल्स को कौन कंट्रोल करता है? इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और क्योंकि चाइना में बैन है फेसबुक, इसलिए फेसबुक की सबसे बड़ी मार्केट है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए उनकी पब्लिक पॉलिसी टीम जिम्मेदार है और उनके साथ कंसिस्टेंटली लॉबी करती रहती है ताकि इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स फेसबुक को फेवर करें। इस पब्लिक पॉलिसी टीम को लीड करती है अंकी दास, जिनके बारे में उस वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल ने बात करी थी। और हम ये कह सकते हैं कि अंकी दास अपनी जॉब अच्छी तरह कर रही है, क्योंकि उनके रिलेशंस मोदी गवर्नमेंट के साथ बहुत स्ट्रांग है। गार्डियन के एक आर्टिकल में एक फेसबुक एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि अंकी दास इतने इश्यू सॉल्व कर पा रही थी फेसबुक के लिए कि उनकी कंपनी में एक जोक था कि अंकी दास मानो PM मोदी की पोती है। पर ऐसे ही कारणों की वजह से फेसबुक किसी भी BJP अफिलिएटेड पेज को इतनी आसानी से बैन नहीं कर सकता। पर ये बस इंडिया का केस ही नहीं है, कई और कंट्रीज में हमने ऐसा ही देखा है। जैसे US की बात करते हैं, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग की प्रोटेस्ट के दौरान पोस्ट किया था कि व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। ट्विटर ने इस पोस्ट के खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया, पर फेसबुक ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या है? फेसबुक कई चीज़ें कर सकती है। पहला है कि वो एक डिवीजन क्रिएट कर सकती है पब्लिक पॉलिसी टीम में जो लॉबी करती है गवर्नमेंट के साथ, और उस टीम में जो कंटेंट को मॉडरेट करती है, ताकि इन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन ना हो और कंटेंट मॉडरेशन गवर्नमेंट पॉलिसी से इन्फ्लुएंस ना। और इसका एक तरीका हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। हेट स्पीच, आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट ओवर अ 5 to 10 year पीरियड वी विल हैव AI टूल्स दैट कैन get into some of the nuances, the linguistic nuances of different types of content to be more accurate in flagging things for our systems. पर ये technologies foolproof नहीं है, क्योंकि इन algorithms को एक developer यानी कि एक इंसान ही code कर रहा होता है, तो उस developer के जो भी bias होंगे वो उन algorithms में दिख सकते हैं। जैसे कुछ researchers ने artificial intelligence के models को analyze किया जो hate speech को process कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि उनकी एल्गोरिदम्स एक्चुअली अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट बायस थी। और फेसबुक को मजबूर करने के लिए कि वो ऐसे स्टेप्स उठाएं, हमें उनको प्रेशर पे डालना होगा। अब फेसबुक का मेजर रेवेन्यू आता है एडवर्टाइजमेंट से, जो हम जैसे यूजर्स देखते हैं,
और एडवर्टाइजर्स फेसबुक पर प्रेशर डाल सकते हैं और ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले जब फेसबुक ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पोस्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया था तो कई लीडिंग कंपनीज ने ये डिसाइड किया था कि वो फेसबुक पर अपने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर एक टेम्पररी बैन लगा देंगे और इस प्रेशर की वजह से ही फिर मार्क ज़करबर्ग मीडिया के पास गए और उन्होंने कई पॉलिसी चेंजेस अनाउंस करे। मार्क ज़करबर्ग इज सेइंग दैट द कंपनी इज चेंजिंग इट्स पॉलिसीज टू प्रोहिबिट हेट स्पीच इन इट्स एडवर्टाइजमेंट्स। और ऐसा प्रेशर बस बड़ी कंपनीज ही नहीं डाल सकती बल्कि हम जैसे यूजर्स भी डाल सकते हैं। जैसे रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव या विनय पाठक ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था जहां वो वायलेंस को प्रोपगेट कर रहे थे। फेसबुक ने उनके ऑफिशियल पेज को इमिजिएटली डिलीट नहीं किया लेकिन जब कई लोगों ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया तब फेसबुक ने फिर इसको डिलीट किया, जो हमें ये बताता है कि हमारे ओपिनियन की भी एक वैल्यू है। इसलिए अगर आप कोई भी हेट स्पीच देखते हैं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनको रिपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि हमारी आवाज़ भी मायने रखती है।